नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राशन वितरण को लेकर वन नेशन वन कार्ड लोगों की सुविधाओं के लिए किया गया था। वहीं जिला रसद विभाग की कार्यशैली और तकनीकी खराबी सहित राशन डीलरों की मनमानी से आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घंटों कतार में लगने के बाद भी लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ऐसा ही एक मामला शहर के वार्ड संख्या 61 तिजारा पुलिया के समीप देखने को मिला, जहां महिलाएं राशन लेने के लिए सुबह 4 बजे ही राशन डीलर की दुकान पर कतार लगाना शुरू कर देते हैं। महिला पुरुषों का कहना है कि प्रत्येक महीने इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। अपनी बारी का इंतजार करते हुए शाम को वापस बेरंग घर लौट जाते हैं और दूसरे दिन फिर से कतार में लग जाते हैं, लेकिन राशन नहीं मिल पाता है। वहीं राशन डीलर द्वारा लोगों से ठीक से बात भी नहीं की जाती, जिसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। जी बता, क्या इनकी समस्या है राशन को लेकर, क्या आप बता? मेरे पास कल भी वार्ड से फोन आया था कि मैंने बेटे को 2:30 बजे यहाँ राशन की दुकान पर लाइन में लगा दिया था। उसके बाद 10 बजे हमको ये कह दिया गया कि मशीन ख़राब है। उसके बाद मैंने DSO साहब को इस बात की सूचना दी और उन्होंने मेरे से एक मैसेज लिखवाया कि आप मुझको एक मैसेज लिख के डाल दो। मैंने उनको व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर दिया। अभी कुछ समय पहले मेरे पास फिर एक भाई का फ़ोन आया, नंबर उसका सेव भी नहीं है। उसने कहा कि आज हम सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं और अब हमको कह दिया कि भाई अभी कल आना, और उसके बाद भी अन्य लोगों को राशन दिया जा रहा है, जैसे उन्होंने मेरे से कहा। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा DSO साहब से, कलेक्टर साहब से, कि पूरे देश की वितरण व्यवस्था, अगर इसमें राशन ढंग से वितरित नहीं किया जाएगा तो जनता को इससे अच्छा है राशन आप दें ना, क्योंकि लेडीजें यहाँ परेशान रहती है। हर रोज़ जब भी राशन जिस महीने में बढ़ता है, जब भी राशन बढ़ता है, प्रत्येक महीने में ये समस्या आती है, लेडीजें परेशान होकर के जाती हैं। तो मैं तो यही मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर गेहूँ की उपलब्धता कम है तो डिपार्टमेंट गेहूँ उपलब्ध कराए, अगर यहाँ भीड़ ज़्यादा है तो दूसरी दुकान आवंटित करे। व्यवस्थाएँ सुधारना प्रशासन का काम है, DSO साहब का काम है। पार्षद होने के नाते मैं आपके जरिए मांग करता हूँ, इसके अलावा मैं खुद कलेक्टर साहब से भी मिलूंगा और उनको लिखित में दूंगा, क्योंकि वार्ड की जनता लगातार परेशान है। लगातार अगर किसी चीज़ की परेशानी रहती है तो कहीं ना कहीं फिर सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है। इस खामी को तुरंत सुधारा जाए। लोग यहाँ परेशान हैं, आप लोगों ने भी बाइट लिए। मैं कोई व्यक्तिगत इनकी शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग मेरे से शिकायत लगातार करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है या तो गेहूँ कम है, या वितरण व्यवस्था में गड़बड़ है, या कहीं ना कहीं और हमें व्यवस्था ठीक करने की ज़रूरत है। तो प्रशासन इसको जल्दी जल्दी ठीक करे, अन्यथा यहाँ सिर फूटने की नौबत आई पड़ी। आप देख रहे हो लोग कितने गुस्से में हैं। जब व्यक्ति 2:30 बजे लाइन में लगता है, उसको जब कह दिया जाए कि आप गेहूँ नहीं मिलेगा, दूसरे दिन आना, और उसके अलावा अन्य लोगों को अगर पर्सनल दिया जा रहा, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मेरे से लोगों ने कहा है, उन लोगों का आप बाइट लीजिए जिन्होंने मुझसे कहा है, तो निश्चित रूप से व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अन्यथा इसके लिए हमें जहाँ भी शिकायत करनी पड़ेगी हम शिकायत करेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश यादव नाम है, वार्ड पार्षद 61। ये मेरे बारे में शिकायत कर रहे हैं, परेशानी आज से आज तक ये सारे मोहल्ले वाले, इनसे पूछो कि कभी कोई नाज लेके गया कि नहीं गया, सारे मोहल्ले वाले डबल डबल नाज लेके जाते हैं कि नहीं जाते है ना। अब मेरे समस्या ये है कि मेरे नाज आया लेट और नाज आया मेरे परसों के रोज, मशीन में तक खराबी होने की वजह से मैंने DSO साहब को फ़ोन किया, अभी 2 घंटा पहले मेरा नाज डला है। जब से मैं नाज बांटना चालू कर रही हूँ भीड़ हो जाती है, रात के 2-2 बजे आके लोग वाग यहाँ बैठ जाते हैं। अब भीड़ इकट्ठी इतनी होगी, तसल्ली खाए, तसल्ली से सारा मिले, मैं मशीन चलाऊँ, ये इनकी लाइनों में गड़बड़ी हो रही है। नाज बराबर सबको मिल रहा है, नाज किसी को भी कम नहीं मिल रहा, डबल नाज लेके जा रहा है। पहले मैं मोहल्ले वालों को देती हूँ, बाद में अन्य किसी और को देती हूँ। यहाँ पे नाज की अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, बोलो मशीन में सुनो सब डबल नाज लेके तकनीकी कोई खराबी तो सही कराओ। हाँ करा दी ना, फिर नाज बांट रहे थे, अभी बांट रहे खूब। तो ऐसे में कुछ लोग आपका पक्ष भी ले रहे और विपक्ष भी कर रहे हैं कुछ लोग। नहीं, क्या डबल नाज दे रहे हैं? क्या मतलब आपको क्या लगता है कि पक्ष विपक्ष, ये इनकी लाइन? हाँ, इनका तो आरोप है कि आप अपने मिलने वालों को नाज बांट रहे हो, ये गलत बात है। अभी एक आदमी दारू पी के आया था, इन लाइन से ही पूछ के नहीं मैंने बोला कि इसको दे देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। एक औरत का बच्चा ऑपरेशन हुआ था, उसकी डिलीवरी हुई थी, उसने इनसे ही पूछ के मैंने कहा कि इसको मैं नाज दे दूं क्या, इनसे ही पूछ के लेते हैं हम।
अब जो किसी की बीमारी है, अभी एक को चक्कर आ गए, उसकी परेशानी अगर मैंने उसको दे दिया तो क्या दिक्कत आ गई? एक का चाचा मर गया, एक को चाचा मर गया, उसको दे दिया तो क्या हो गया? मेरा नाम सरोज शर्मा है, राशन डीलर की दुकान है मेरे पास में, और सबको डबल डबल अनाज मिलता है। इस खबर में बस इतना ही, बने रहे वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा के साथ।